नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि रशिया और अमेरिका जैसे देश वर्ल्ड वॉर टू के समय सिक्स सेंस साइकिक एबिलिटी वाले लोगों का उपयोग करते थे ये जानने के लिए कि जो दुश्मन देश है उसने अपने युद्ध पोतों में क्या छुपा के रखा है, उनका फाइटर जेट कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ उनको बमबारी करनी चाहिए। इतिहास छोड़ के वर्तमान में आए तो एक दिन हवन का कार्यक्रम चल रहा था, मैं नहीं कर रहा था, एक हमारे गुरुजी के शिष्य हैं वो कर रहे थे, तो उनके कुछ मित्र भी साथ बैठे हुए थे। साथ बैठे मित्रों को उन्होंने हवन के बाद सिगरेट पिलाया और भेज दिया। दूसरे दिन गुरुजी का फ़ोन आया कि ये बताओ तुमने हवन तो ठीक किया लेकिन ये बाद में बैठ के पार्टी क्यों कर रहे थे, ये सिगरेट पिलाना और ये सब क्यों चल रहा था। मतलब गुरुजी हमारे गुजरात में बैठे थे, हवन हमारा झारखंड में चल रहा था। तो गुरुजी की बात हो गई। एक व्यक्ति और हमारे एक परम मित्र हैं, शुरू शुरू उस समय मैंने पैरानॉर्मल में रिसर्च शुरू किया था, उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, मैं बैठ के कुछ अपना रिसर्च ही कर रहा था तो उन्होंने फ़ोन किया, बोला गुरुराज आप जो ये किताब पढ़ रहे हैं ना ये बेकार किताब है, पुणे की एक औरत ने लिखा है। कई ऐसी घटनाएं जो कि ये विश्वास दिलाती हैं कि एक व्यक्ति एक जगह बैठकर दूसरे जगह का चीज़ें और ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जब ऐसी दिव्य दृष्टि आपको मिल जाती है तो दूर की सामने की कि दीवार के दूसरे तरफ क्या है या ज़मीन में खजाना गड़ा है कि नहीं गड़ा है, ये सब आपको फ्री में मिल जाता है ये सब ज्ञान। तो ये जो साधनाएं हैं, एक तो दिव्य दृष्टि की साधनाएं होती है जो कि बहुत आप सिद्ध हो जाते हैं, 14 विद्याओं में निपुण हो जाते हैं तब आपको वो विद्या मिलती है। दूसरा है एक यक्षिणी साधना जिसको सतपत्रिका यक्षिणी कहते हैं। सतपत्रिका यक्षिणी की साधना बहुत ही गुप्त है, आप इसको कहीं भी नहीं पाएंगे और जहां पाएंगे वहां त्रुटि के साथ पाएंगे। लेकिन सतपत्रिका यक्षिणी मैं आप लोगों को दे रहा हूं आज, उद्यमेश्वर तंत्र में 20वीं यक्षिणी है सतपत्रिका। सतपत्रिका का मतलब होता है वो यक्षिणी जिसके पास 100 फूल हों। तो इनकी साधना कैसे की जाती है, इनकी साधना करने में सबसे पहले आपको एक वटवृक्ष खोजना है। वटवृक्ष मतलब वटवृक्ष का दो लक्षण होता है, एक तो फलदायक हो, दूसरा अगर फलदायक ना हो तो उसका छांव हो। इस तरह का एक वटवृक्ष खोज लेंगे, ठीक है। उस वटवृक्ष के नीचे जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उसका 1,00,000 जाप करना है, ठीक। जाप करने के लिए दिशा कोई भी हो सकती है, वस्त्र कोई भी हो सकता है, माला रुद्राक्ष का रहता है। जैसे और यक्षिणियों की साधना में यक्षिणी माला का प्रयोग होता है, वो जो चमकने वाले क्रिस्टल की तरह जो माला होती है उसका प्रयोग होता है। इनकी साधना के लिए, सतपत्रिका की साधना के लिए आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए होती है। एक बार जब आप जाप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको दशांश हवन करना होगा 10,000 बार घी से। सिर्फ इतना ही नहीं, 10,000 बार घी से हवन करने के बाद 100 पुष्प से आपको हवन करना होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल उपाय है, मतलब कुछ भी इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन वही मैंने बताया था क्योंकि विधान सतयुग में लिखा गया, अब कलयुग है तो हो सकता है आपको एक बार में सफलता ना मिले, आपको 2-3 बार में सफलता मिले, लेकिन हतप्रभ ना होते हुए इसकी साधना करनी चाहिए। वशिष्ठ मुनि जैसे मुनि जब तारा को साधने के लिए निकले थे तो 7 साल वो कामाख्या में रुके थे, 7 साल कामाख्या में साधना किया था और फिर आकर के तारापीठ वीरभूम में साधना किया था, ठीक है। इतना तो उतने मतलब जो भगवान से डायरेक्ट थे ऐसे मुनि को समय लगा, हम और आप तो नॉर्मल इंसान हैं। ये विधान है, इसी विधान से सिद्ध होंगी, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा प्रयत्न करना पड़े। इनका मंत्र क्या है, इनका मंत्र है ओम द्रिम सतपत्रिके द्राम द्रिम श्रीम स्वाहा। ओम द्रिम सतपत्रिके द्राम द्रिम श्रीम स्वाहा। फिर से एक बार सुनिए, ओम द्रिम सतपत्रिके द्राम द्रिम श्रीम स्वाहा, ठीक है। इसका आप 1,00,000 जाप करके दशांश हवन करेंगे, दशांश हवन करने के बाद 100 पुष्पों से आप, 100 पुष्प मतलब वो
पूरा खिला हुआ नहीं होना चाहिए, फूल की कोड़ी होनी चाहिए, उससे आप 100 बार हवन करेंगे इनके नाम अनुसार और आपको इनकी सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है, ये हुआ सतपत्रिका का विधान। इसके साथ ही आज का विषय मैं समाप्त करता हूँ। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करें और rudranath@cm4 आप सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। इंडिया, कनाडा और यूएसए से आप मुझसे बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantra.xyz पर जाइए, अपॉइंटमेंट सेक्शन में आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को दृष्टि प्राप्त हो, आप सबको इतनी शक्ति मिले कि आप ये साधना कर पाए, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग खादेश।